Oh my God, ne te miram dash. Gyana anjana salakaya. Chaksur unmilitam jena. Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaura Chandraya. Radhikaya istadale. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Tad Bhaktaya Namo Nama. Bhajami Radhang Maravinda Netran. Smarami Radhang Madhura Smitasya. Badami Radhang Karuna Bharatran. Tanto Mamanyasti Gatirna Kwabi. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Srivasadi. Gauru Bhakta Vrinda. Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह स्थान श्री गोविंद कुंड है। आप लोगों ने पहले श्रवण किया ये गोविंद कुंड किसने नाम किसने दिया था, बल्कि ये नाम को इंद्र ने कृष्ण का एक नाम उन्होंने गोविंद नाम रखा है। कहते ये गोविंद का मतलब क्या है, कहते श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कुंती ने जो स्तुति की कृष्ण को स्तुति की, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये श्री मैया कुंती ने ये कृष्ण को स्तुति की है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये गोविंद नाम की महत्व को इसका मतलब को कहते, बोले कृष्णाय, कृष्णाय मतलब क्या है, बोले कृष्ण को जो उपासना करते हैं जितने सारे उपासना में सर्वश्रेष्ठ उपासना जो कृष्ण को उपासना करते हैं ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे बड़े कौन है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय, बोले उनसे बड़े हैं जो वासुदेव हैं। कहते श्री वसुदेव, वासुदेव नाम क्यों पड़ा, बोले वसुदेव का बेटा वासुदेव है, हैं? इसलिए उनसे बड़े हैं श्री वसुदेव महाराज। बोले क्यों, कहते हुए जगत पति जगन्नाथ होते हुए भी लेकिन बेटा किसको बने हैं, श्री वसुदेव महाराज को बेटा बन गए, इसलिए उससे श्रेष्ठ वसुदेव महाराज है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले देवकी नंदनाय च, बोले उनसे श्रेष्ठ है माँ देवकी। क्यों, बोले कृष्ण को गर्भ में किसने धारण किया, विश्व ब्रह्मांड जी के गर्भ में, लेकिन वो किसकी गर्भों का आश्रय करके आते हैं, बोले देवकी। मतलब है पिताजी की जितने सौभाग्य है उससे ज्यादा सौभाग्य किसकी है, बोले माताओं। इसलिए वसुदेव से भी देवकी के ज्यादा महत्व है, लेकिन होने पर भी लेकिन उनसे बड़े कौन है, बोले नंद गोप कुमाराय, बोले उनसे बड़े है श्री मैया जसोदा श्री नंद बाबा। बोले क्यों, बोले कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए है लेकिन ये पल्ले में कहाँ झूला है, उनको किसने उनको हैं पल्ले में उनको किसने झूलाया, पल्ले में उनके अंगुल पकड़ करके सुमुख सुमुख करके उनको चलाना सिखाया किसने, इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो, जोर से बोलो नंद के आनंद भयो, इसलिए कहते उनसे श्रेष्ठ श्री मैया जसोदा श्री नंद बाबा। लेकिन भैया उनसे श्रेष्ठ कौन है, विश्वनाथ बोले गोविंद आय, तो गोविंद का दो अर्थ कहते हैं, एक अर्थ कहते उनसे श्रेष्ठ है ये ब्रज गोपियां हैं, क्योंकि जो रासलीला जो करते हैं किसको साथ में उन्होंने रास किसको साथ में रचाया, कहते ये ब्रज गोपियों को साथ में उन्होंने रास रचाया। कृष्ण किसी की अभी तक ऋणी को उन्होंने बोले ये जथा माम प्रबंधन से ताम तथे वजाम्य हम, मेरे को जो जिस रूप में उपासना की है
मैंने उनको उसी अनुरूप मैंने प्रेम का प्रदान की, लेकिन केवल ये रास में आकर के कृष्ण वही पर कहते हैं ना पारे अहम निर्बद्ध संजुजा है। वो उदाहरण भी सुना चाहे ठाकुर देते हैं, कहते कोई एक बहुत बड़ा पहलवान था, वो पहलवान सब जगह में डीग हाँक कर थांकता है, कोई हो तो आ जाओ मेरे साथ में दो हाथ कर लो भैया, जहाँ पर एक सर कहीं ना कहीं सवा सर मिल जाती है। भैया कहते हैं एक सर कौन है, बोले कृष्ण। कहते ये सवा सर वाले कौन, बोले ब्रज की गोपियां सवा सर है। हैं अभी जब सवा सर को हाथ साथ में मिलाना तो ठीक हाँक रहा था, कोई हो तो हमारे साथ में दो हाथ कर लो, लेकिन जो सवा सर वाले थे उसने केवल हाथ में हाथ मिलाया और मिला करे एक झटका मारे तो उसको सीधा अपना चरण में खींचे कर दिया। बोले भैया न पा रहे हम, भैया तेरे साथ हम पार नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण तो सब जगह में ठीक आते, लेकिन जब ब्रज गोपियों के पास में आते हैं कृष्ण कहते भैया तुम्हारी ऋणी को मैं कभी चुका ही नहीं सकता हूँ, लेकिन गोपियां श्रेष्ठ है। लेकिन भैया गोपियों से श्रेष्ठ कौन है, यदि जो गोविंद नाम है नंद गोप कुमाराय गोविंद जो नाम है, यदि गोपियां भी जिनकी सेवा करती है, बोले किसको सेवा करती है, बोले श्री ईश्वर जी को। इसलिए गो मतलब होता है इंद्रिया और बिंदसी मतलब होता है आनंद है। यद्यपि कृष्ण इंद्रियों को सबके सब आनंद प्रदान करती हैं, लेकिन कृष्ण की संपूर्ण रूप में उनको इंद्रियों को आनंद देने वाले कौन है, बोले श्री ईश्वर जी श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए जो गोविंद शब्द विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं, गोविंद मतलब है कृष्ण इंद्रियों को संपूर्ण रूप में सैटिस्फाई करने वाले राधा रानी। इसलिए रासों से जब श्री राधा रानी वहां से चली जाती है, रास लीला वहीं टूट जाती है। बोले क्यों, बोले रास का जो श्रृंखला है वो श्रीमती राधा रानी सबको बांध करके रखने वाली। इसलिए सत्तो करोड़ों गोपियां भी श्याम सुंदर के इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाती है, वहां पर केवल इंद्रियों को तृप्त करने वाले श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका नाम जो गोविंद नाम है, ये नाम बड़े प्यारा नाम है। और यहीं पर ही इंद्र ने कृष्ण को उन्होंने यहीं पर उन्होंने अभिषेक किया था, इसलिए ये जो गोविंद कुंड नहीं कभी ये चरणामृत कुंड है, ये श्री चरणामृत कुंड यहीं पर उन्होंने क्यों अभिषेक किया था। आप लोगों ने पूरा इसमें तो पूरा के पूरा गिरिराज धारण के पूरा लीला आ जाती है। इसलिए कृष्ण ने जो गिरिराज गोवर्धन उन्होंने जो धारण किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसके पीछे उन्होंने चार ही कारण उन्होंने बताए, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उन्होंने क्यों धारण किया, नहीं नहीं बढ़ाई महाराज, इसलिए उन्होंने क्यों गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। इसका पहला कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमें बहु उपास्य नहीं होनी चाहिए, हमारी उपास्य केवल एक होनी चाहिए, दूसरे देवा देवी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। बोले इंद्र कौन है, बोले ये स्वर्ग की देवता श्री इंद्र, श्री स्वर्ग की देवता इंद्र है। इसलिए इंद्र सारे देवता का राजा होने पर भी, लेकिन इन्होंने इंद्र की पूजा उन्होंने बंद करवा दिया, बोले नहीं इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, अगर पूजा करना तो किसकी पूजा करना, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना, झोली फैलाना तो जिसको तिसको पास में झोली फैलानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो दुनिया की जो देवा देवी है। इसलिए कहते हैं ना अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तिब्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। इसलिए साधारण लोग दूसरे देवा देवी को उपासना करते, बोले क्यों, बोले शंकर जी को पूजो, दुर्गा की पूजो, हनुमान को पूजो, हम तो गृहस्थ हैं, हमें स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी हमें चाहिए, इसलिए दूसरे दूसरे को पूजा करते हैं। कृष्ण कहते नहीं, अगर अकाम है, अकाम मतलब होता है निष्काम होकर, बोले सर्व काम वा अगर सारी इच्छाओं को लेकर के हाँ बल मोक्ष काम उदार थी, अगर मुक्ति की कामना को लेकर के भी अगर किसको उपासना करना, केवल कृष्ण उपासना करनी चाहिए। और कृष्ण अभिन्न कौन है, श्री गिरिराज बाबा है। इसलिए झोली जिसको जिसको सामने मत फैलाओ, झोली ऐसे एक व्यक्ति को पास में झोली बुलाओ जो तुम्हारी झोली को भर देगा, तुम्हारी झोली को जो भर देगा। इसलिए इसी जगत का कामना को तो देंगे पूर्ण रूप में है। इसलिए देखो कृष्ण के जितने भक्त है, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, इस कौन है सब महाराज है ना है, इसलिए सबके सब महाराज है, माधव महाराज, महाराज और हमारे तीर्थ महाराज, वन महाराज,
इसलिए यहाँ पर कहते भैया झोली जिसको तिसको बाद में झोली मत फैलाओ, इसलिए उन्होंने इंद्र की पूजा उन्होंने बंद करवा दिया, उनका गर्भ कभी उन्होंने खंडन कर दिया। ये एक कारण कहते हैं। दूसरा कारण बताए, अभी इंद्र के मन में अभिमान है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो क्या होगा, ये ब्रजवासी सब के सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं बारिश बरसाता हूँ, घास उगती है, गैया घास खाते हैं, फिर गैया सबके सब दूध देते हैं, फिर सारा ब्रजवासी इनका दूध ही मूल धन है, गैया ही मूल धन है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो सब खत्म हो जाएंगे। कृष्ण ने क्या बोले, क्या तुमने बारिश बरसाते हो तभी ब्रजवासी जीते हैं, तेरे को पता है ब्रजवासी कौन है, पहले जो था था, लेकिन ये ब्रजवासी अभी साधारण कोई नहीं, कहती तो गोपियां ये स्वयं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाधीर एव निज रूप कला तया भी, ये राधा रानी तो कृष्ण अभिन्न है, और जितने गोपियां ये सबके सब उनके कायम हुए हैं, जितने सखाए बलदेव प्रभु कृष्ण का, ये सबके सब कृष्ण की ये प्रकाश है। अरिता शुरू आ गया, ये अरिता शुरू आ गया है, गया है हरे कृष्ण, इसलिए बोले गिरिराज बाबा की, जोर से कह दो बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए इंद्र सोच रहा, अभी कृष्ण सोच रहे हैं, अभी इंद्र का क्या अभिमान, कहती है कि ब्रज रज में है, कहते हैं कि ब्रज रज में इतने शक्ति है, कहते ये ब्रज रज में इतने शक्ति है, एक ब्रज रज ही, एक इंद्र ने करोड़ों करोड़ इंद्र को एक ब्रज रज ही प्रकट कर सकता है, वहाँ की एक पत्ते में इतने शक्ति है, कितने स्वर्ग और कितने इंद्र को एक पत्ता ही प्रकट कर सकता है। कृष्ण ने देखा इंद्र का मन में बड़ा अभिमान है, अब इसका सारे अभिमान को चकनाचूर करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंद्र को पूजा को उन्होंने बंद करवा दिया, और इसलिए इंद्र बड़ा क्षोभित हो गया। इसलिए अगर एक व्यक्ति को साल में बढ़िया बढ़िया चकमाल खाना मिले, रसगुल्ला लेडीकिन चमचम पिज्जा पास्ता, अगर एक व्यक्ति एक साल से अगर इंतजार कर रहा है एक साल में मिलेगा, अगर उसको खाने को बंद कर तो फिर क्या होगा, उसको क्रोध आएगा कि नहीं, इसलिए इंद्र एकदम बिगड़ गया इंद्र ने, कहते ये दूसरा कारण था। बोले तीसरा कारण क्या, अभी कृष्ण के मन में इच्छा है, ये ब्रजवासी सबके सब मेरे कायप्यो है, सबके सब मेरे प्रकाश है, मैं चाहता हूँ इनको साथ में 7 दिन तक, इनको साथ में मैं उत्सव करूँ 7 दिन तक। अभी कृष्ण सोच रहे कैसे उत्सव कर सकता हूँ, जब मैं गिरिराज गोवर्धन को धारण करूंगा और कभी कभी ये ब्रज गोपियों को साथ में और ईश्वर जी को साथ में मिलना तो बड़ा कठिन होता है, मैं ऐसे क्या करूं जो इनको साथ में स्वच्छंद रूप में मैं 7 दिन तक मैं विहार कर सकता हूँ। बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन को धारण करूंगा ये सारे ब्रजवासी मेरे सामने आएंगे, गोपियों को साथ में जो मिलने के लिए हमें इतने कठिन काम करना पड़ता है, क्या होगा, वो अपने हम सामने आएंगे, राधा रानी सामने आएगी। अभी जब राधा रानी सामने आई, इतने में कृष्ण ने गिरिराज को धारण किए रखते, अभी जब राधा रानी आ गई ना, अभी राधा रानी को देख करके तो कृष्ण हिलने लगे, कृष्ण डगमगा, क्योंकि राधा रानी की एक कटाक्ष से कहते ना, हैं, इसलिए बंसी करान निपतित स्खलितम श्रीखंडम भ्रष्ट सपीत वसनम ब्रजराज सुनो, राधा रानी के कृपा कटाक्ष से कृष्ण का सारे हैं सब कृष्ण हिलने लग जाते हैं। अभी कृष्ण तो जो गिरिराज धारण किए थे कृष्ण तो हिलने लग गए, अभी गिरिराज से हिलने लग गया गिरिराज गोवर्धन, सखा मिला है कृष्ण क्या कर रहे हो, अरे देखो तुम तो गिरिराज धारण करके रखे हो ना, उसको नीचे सारे ब्रजवासी अगर गिर गया तो सारे ब्रजवासी खत्म हो जाए, खबरदार है, ऐसे राधा रानी की शक्ति थी, इसलिए सारे ब्रजवासियों को साथ में उत्सव किया। जो सबसे जो श्रेष्ठ कारण बताए, अभी कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ रास लीला है, अभी कृष्ण रास रचाना चाहते हैं, लेकिन अकेले वो रास नहीं रचा सकते हैं, जब तक ये ब्रज गोपियां नहीं हो, हीरो तो कृष्ण और हीरोइन कौन है, ये ब्रज गोपियां हीरोइन है, जैसे एक हीरो हीरोइन को आकर्षण करने के लिए क्या करता है, उसको कुछ बहादुर दिखाता है, इसलिए कृष्ण 2 बहादुर दिखाए, एक बहादुर तो उन्होंने दिखाए सर्प को ऊपर उन्होंने नृत्य किया है, इसलिए कृष्ण ने कहा देखो बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, कोई इलासिया के ऊपर नाचते, कोई रस्सी के ऊपर, कोई तलवार के ऊपर में, कोई कलसे रख करके, लेकिन कभी देखे हो जो सर्प के सर के ऊपर कोई नृत्य कर देखे हो कभी, इसलिए कृष्ण ऐसे नृत्य किया, ऐसे कृष्ण नृत्य किया जिसको देख करके
ब्रज गोपियां तन मन सब कुछ कृष्ण के चरण में समर्पण कर दिया। और दूसरा बहादुरी क्या किया, इन्होंने यही पर ही श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। जब गिरिराज गोवर्धन धारण किया कितने साल के थे, 7 साल के। पर्वत कितना बड़ी थी, 7 करोड़। कितना दिन तक धारण किए, 7 दिन। इसलिए उन्होंने जब धारण किया, गोपियों ने देखा, हा बाबा रे, ये तो बड़ा बड़ा हीरो है, हाँ? गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक उन्होंने धारण कर लिया, इनकी पौरुषत्व को देख कर। इसलिए जो वीर रस है, कहती है श्रृंगार रस को ये पुष्टि करने वाले ये वीर रस है। जैसे एक हीरो हीरोइन को आकर्षण करने के लिए क्या करता है, वो हीरोइन को सामने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके खूब मारपीट करेगा, और मारपीट करके तो परास्त जब कर देगा, बोले हीरोइन बोले कि बाबा रे तो बड़ा बलवान है। इसलिए सारे हीरोइन उसको ऊपर में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण तो हीरो है, ब्रज गोपियां हीरोइन। ऐसे उन्होंने बहादुर दिखाया, सारे ब्रज गोपियां तो एकदम दंग रह गए। फिर उनको क्या गिरिराज गोवर्धन, इसलिए की जो कुंड यही पर ही इंद्र ने कृष्ण को उन्होंने अभिषेक किया। 7 दिन के बाद में इंद्र भेजा, देखो तो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, एक ऊपर ऊपर देख करके अपने महाराज जी ब्रज में खत्म, एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। एक दूसरे को बोला भैया तू जा करके देख क्या कर रहे हैं, वो दूसरा नीचे आए तो देखा चिट्ठी क्या है, चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहां पर तो धूल उड़ रहा था, वहां पर तो सबके सब होली मचा रहे थे। आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया भर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे। बोले वहां तो भैया होली मच रहा है, तू तो सोच रहा था। इंद्र ने कहा उसका सत्यानाश हो गया कि नहीं ब्रज की, बोले ब्रज क्या सत्यानाश, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था वो बालक नहीं, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल कहते ना, अरे हमारे लिए कौन सा बड़ी भारी बात है, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते हैं, उल्टा हाथ नहीं बाएं हाथ से कर सकते हैं, और कहते बाएं अंगुल सबसे कनिष्ठ अंगुल में कर सकते हैं। बोले कनिष्ठ अंगुल नहीं, नख को पर में गिरिराज को कृष्ण ने धारण किया है। इसलिए इंद्र ने देखा भैया ये है कौन, फिर ध्यान लगाया तो उसने देखा मेरे प्रभु है। फिर उन्होंने अपना गुरुजी को पास में गए, बोले गुरुजी क्या करेंगे ऐसे हो गया, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं भी बुरी तरह से बच गया, तो आप भी, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले कृष्ण ऐसे का बता रहे ना, किसी की घमंड को उन्होंने नहीं रखे, सभी का घमंड को उन्होंने चकनाचूर कर दिए। बोले मेरा घमंड भी चकनाचूर किया, बोले कैसे, बोले वत्स जब मैंने हरण किया बड़े नाक रगड़ना पड़ा, फिर क्या करना पड़ेगा, बोले ये गोपाल है गैया को जो पालन करते हैं, चलो श्री सुरभि आभि को अनुगत्य में जाएंगे। फिर सुरभि आभि क्योंकि माता है, कृष्ण गोपाल है, अगर इनको सामने लेकर के जाओ कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे। यहीं पर उन्होंने ला करके उन्होंने कृष्ण को पंचामृत से ऐरावत हाथी को लाए, और पंचामृत से यहीं पर उन्होंने स्नान करवाया। ये जो कुंड है उसका नाम पंचामृत कुंड, ये चरणामृत कुंड ही है। इसलिए इसमें आचमन लेने से चरणामृत और श्री कृष्ण का चरणामृत कुंड का आचमन लेना पड़ता हो जाता है। चलो चलो चलो।